हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है वेज आलू टिक्की बर्गर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हमने आलू उबाल के रख लेने हैं और आलू उबाल के मैंने इसको मैश कर दिए हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है ऑर्गेनो और फिर चिली फ्लेक्स। फिर हमें चाहिए मैदा, कॉर्नफ्लावर, चीज़, अनियन, कॉर्न्स और ब्रेड क्रम्ब। साथ ही साथ जो आलू मैश किए हुए हैं वो ले लिए हैं। उसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर, चाट मसाला, धनिया, हरी मिर्चें। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। शिमला मिर्च डाल देंगे, गाजर डाल देंगे, और मिला लेंगे। साथ ही साथ हमें इसमें 2 टेबलस्पून के आसपास, 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास आपको ब्रेड क्रम्स डालने हैं, जिससे ये बाइंड करने में हेल्प होगा। बैटर अब अच्छे से रेडी हो गया। मैं इसकी टिक्कियां बना दूंगी। आपको जिस शेप की देनी हो, छोटी, बड़ी, मोटी, जैसे आप देख सकते हैं अपने बंद के हिसाब से बना सकते हैं। ये मेरी टिक्की रेडी हो गई है। ली है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें जो करना है, मैदा और कॉर्नफ्लावर से एक क्रीमी पेस्ट बनाना है। तो हम मैदा डाल लेते हैं। कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डालें, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पतला ना बन जाए आपका पेस्ट। आपको क्रीमी पेस्ट बनाना है, ना कि पतला पेस्ट, जिसमें आपको अपनी टिक्कियों को डिप करना है। थोड़े थोड़े में आप अपना वाटर ऐड करते जा सकते हैं। ये हमारी क्रीम देख रहे हैं, अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसमें कोई लम्स नहीं है। तो आपको ऐसी ही क्रीमी बनानी है, ना कि पतली। तो आप क्या कर सकते हैं, ये लिए इसे आप थोड़ा सा डिप कर लीजिए, एक्सेस निकाल दीजिए।
और ये ब्रेड क्रम्स में मिला दी हर जगह से अच्छे से। ये देखिए ये मैंने रख दी, सारी बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। इसको आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद इसको तल दें। मैं आपको 1 घंटे के बाद इसको दिखाऊंगी तलते हुए। कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस जला दी है मैंने, अब इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी और इसको अब अच्छे से गर्म करने रख दूंगी। ये टिक्की मैंने फ्रिज से निकाल रही है, 1 घंटा हो चुका है इन्हें, अब मैं इसको तलने जा रही हूँ। आपको इसको अच्छे से क्रंची हो जाएंगी ये तलने के बाद, ब्राउन शेड में आ जाएंगी, तो मतलब हमारी ये रेडी हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कितनी क्रिस्पी टिक्की बनी है। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए गरम गरम टिक्कियाँ, हमारी क्रंची टिक्कियाँ रेडी हो चुकी है। हमारी पेटी बन चुकी है बर्गर की, अब हम बन को सेक लेंगे। आप चाहे तो बटर के साथ कर सकते हैं, चाहे रिफाइंड ऑयल के साथ कर सकते हैं, जिससे आपका करना हो आप उसके साथ कर सकते हैं। अब बर्गर हम बनाएंगे, सबसे पहले हम टोमेटो सॉस लगा लेंगे। जो बन हमने सेके थे उसमें मैंने अब टमाटर सॉस लगा लिया। अब हम ये टिक्की रख देंगे इसमें। ये मैंने सब्जियां चॉप करके रखी है, प्याज टमाटर गाजर, आपको जो डालना हो आप वो डाल सकते हैं। इसमें मैं मेयो ऐड कर दूंगी, इसमें हम लाल मिर्च डाल दे रही हूँ मैं, और नमक आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, क्योंकि आपको ये ध्यान पे रखना है कि आपकी टिक्की में भी नमक है। अब इस टिक्की पर हमने ये जो मेयोनीज वाला बैटर बनाया है वो रख देंगे। इसमें मैं मेयोनीज ऐड कर दे रही हूँ। चीज ऐड कर दे रही हूँ, आपके पास अगर डाइस चीज हो डाइस चीज डाल दीजिए, और अगर आपके पास वो स्लाइस वाला हो तो आप स्लाइसर। मैं इसमें ऑर्गेनो ऐड कर दे रही हूँ, सिमिलरली मैंने इसमें भी ये कर दिया है, इसमें भी मैं अब ऑर्गेनो ऐड कर देती हूँ। चिली फ्लेक्स ऐड कर दे रही हूँ। अब बन की टॉपिंग से हम इसे बंद कर देंगे। हमारा बर्गर बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स कि आपको और कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।